हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे किसिंग बूथ 2। ये मूवी मोस्ट रोमांटिक एंड कॉमेडी मूवी है। ये मूवी किसिंग बूथ फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करता है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड है और अभी आपके आई बटन पर शो हो रहा है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। गाइस, आपने वो मूवी नहीं देखी तो जाइए और देखिए। कहानी की शुरुआत करते हैं। एल घर आने के बाद थोड़ी मैच्योर बनने की कोशिश करती है और नोवा और इनके रिश्ते को थोड़ी स्पेस देती है ताकि नोवा को अच्छा लगे। एल अब ली के साथ अपने आप को बिजी रखती है और ली के साथ ही टाइम स्पेंड करती है और उसके साथ अपने ड्रीम कॉलेज के लिए अप्लाई करती है। रूल नंबर 19, तुम्हें उसी कॉलेज में जाना है जहाँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जा रहा है। ये दोनों यूसी बर्कली में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जब से इन्हें पता लगा है कि इन दोनों की मम्मी भी वहीं से बेस्ट फ्रेंड बनी थी, तब से ये लोग उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती है और ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। रास्ते में ली रीचल को भी इन्हीं के साथ ले जाता है। स्कूल आते ही सबको लगता है कि नोवा और एल का ब्रेकअप हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दोनों ने कोई भी पिक अपलोड नहीं की। इधर स्कूल में एल के पापा बनके नोवा कॉल करता है क्योंकि एल नोवा का कॉल नहीं उठाती। नोवा एल के इस इग्नोर वाली हरकत से थोड़ा सैड होता है और एल को समझाता है कि मुझे हमारे बीच स्पेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, हर टाइम तुम साथ रहो। एल अब खुश होती है और सब कुछ ठीक होता है। इधर एल और ली एक बार फिर फंड रेजिंग के लिए किसिंग बूथ रखते हैं और सब टीचर्स मान जाते हैं। इधर OMG गर्ल्स कहती है, पिछली बार तो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का नोवा था, इस बार कौन होगा? लेकिन एल का कहना है इस बार की लिस्ट सीक्रेट है। OMG गर्ल्स फिर पूछती है, क्या इस साल का नया हॉट लड़का मार्को भी वॉलंटियर बनेगा? एल झूठ कह देती है, मार्को ऑलरेडी वॉलंटियर लिस्ट में है। वॉलेंटियर का मतलब है जो बूथ में टिकट लेगा वो उसे किस कर पाएगा। एल ने मार्को को अभी तक देखा भी नहीं था, सिर्फ उसके बारे में सुना ही था। घर आकर नोवा और एल दोनों वीडियो कॉल पर बात करते हैं। नोवा एल को कहता है, तुम यहाँ बोस्टन भी कॉलेज के लिए ट्राई कर सकती हो ताकि ये दोनों एक साथ रह सके। अगले दिन एल और ली दोनों अपने डांस सेंटर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि इनका हाई स्कोर किसी MVP नाम के प्लेयर ने तोड़ दिया और इस स्कोर को पूरे 4 साल से कोई तोड़ नहीं पाया था, इसीलिए ये दोनों फिर हाई स्कोर करने के लिए मेहनत करते हैं। अगले दिन स्कूल में एक लड़की एल को मार्को की पिक दिखाती है और मार्को के बारे में बताती है। तभी गलती से एल का हाथ माइक पर चले जाता है और माइक ऑन हो जाता है। फिर पूरे स्कूल में उसकी बातें सुनाई देती है। एल काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है और यही सुन के सब लोग उस पर हंसते हैं और ली भागे भागे एल के पास आता है ताकि वो उसका माइक बंद कर सके। इधर एल रिचल से मार्को के बारे में बात करती है और उतने में मार्को आ जाता है और उससे पूछता है, माइक में बोलने वाली लड़की तुम हो? फिर एल उसे अपना इंट्रो देती है। अगली सुबह एल मिसेस फ्लिन के पास आती है। वो एल को बताती है उसके लिए एक पैकेज आया है और उसमें टी शर्ट और बोस्टन की टिकट थी जो नोवा ने भेजी है। एल वो टी शर्ट पहन के नोवा को वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने बोस्टन कॉलेज के लिए एप्लीकेशन दे दी है। ये सुन के नोवा बहुत खुश होता है। वहाँ पर नोवा के कुछ दोस्त आते हैं उसे प्रोग्राम में ले जाने के लिए। अब सभी एल को हाई कहते हैं और वहीं पर एक लड़की आती है और बाद में एल उसे सर्च करती है। इधर एल अपने पापा से कॉलेज के बारे में बात करती है लेकिन वो उसे कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगले दिन ये लोग फिर गेमिंग सेंटर आते हैं और वहाँ फिर से MVP नाम के प्लेयर का हाई स्कोर देखते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि इनका ही हाई स्कोर होगा। तो ये दोनों बहुत डांस करते हैं और फर्स्ट पर आ जाते हैं। वही डांस के बाहर एल को डांस कॉम्पिटिशन का पोस्टर दिखता है जिसमें अमाउंट उसकी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब एल और ली दोनों कंपटीशन के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं पर मार्को आता है और एल और ली दोनों किसिंग बूथ के लिए उससे पूछते हैं कि क्या वो इस साल का किसर बनना चाहेगा, लेकिन मार्को मना कर देता है। फिर मार्को एल को कहता है कि हम एक डील करते हैं, अगर मैं जीता तो मैं आऊँगा। ये दोनों बहुत ही परफेक्ट डांस करते हैं लेकिन लास्ट में एल जीत जाती है और मार्को हाँ कर देता है। इधर ली की आज मूवी डेट थी लेकिन वो भूल जाता है और रिचल उससे बहुत नाराज़ हो जाती है। रिचल का कहना था कि एल हर टाइम इन दोनों के साथ रहती है और एल उसे अकेला छोड़ दे और ली अगर उसे ये बात नहीं समझा सकता है तो इन दोनों का रिश्ता नहीं रह सकता। इधर एल बोस्टन के लिए निकल जाती है और फिर नोवा उसे ड्रॉप कर लेता है। नोवा एल को पूरा बोस्टन घुमाता है। ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए नजर आते हैं और एक दूसरे में पूरी तरह डूब जाते हैं। अब नोवा एल को अपने दोस्तों से
दीवाने ले जाता है और एल को सिर्फ उस लड़की का इंतजार था, वो सिर्फ उसे देखना चाहती थी। अब वो लड़की क्लोई भी वहाँ आ जाती है। क्लोई की अच्छी अच्छी बातों से एल को बहुत जलन होती। अब इधर एल का कॉलेज इंटरव्यू था और वो अच्छा नहीं होता और वो अपना बैग पैक करती है। उसी टाइम उसे वहाँ एक इयररिंग मिलता है और साथ ही नोवा के फोन पर कुछ मैसेज देखती है और वो मैसेज क्लोई के होते हैं और ये देख के नोवा पर गुस्सा होके वहाँ से आ जाती है। घर आके नोवा एल को कॉल करता है। एल को लगता है कि क्लोई और इनके बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन नोवा उसे ट्रस्ट दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता और क्लोई सिर्फ उसकी दोस्त है। इधर एल और ली अपने डांस कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस करते हैं और ली के पैरों में मोच आ जाती है और वो एल को कहता है कि शायद मैं डांस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक लड़का है जो ये कर सकता है। वो मार्को के बारे में कहता है। मार्को बहुत अच्छा डांस करता है, एल के लिए कंपटीशन जितना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो मान जाती है। अब स्कूल में ही ली मार्को को एल के साथ डांस करने के लिए मना लेता है। इधर ली एल को बताता है कि मार्को मान गया है। इधर स्कूल में ली टीचर के हाथ से माइक ले लेता है और सबके सामने रिचल को आई लव यू कहता है और उससे माफ़ी मांगता है। रिचल भी अब खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। सभी बहुत खुश होते हैं। इधर रिचल को कहता है कि एल की जैसे अब उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल में OMG गर्ल एल और ली के पास आती है। ली को रिचल के बारे में कहती है कि बहुत प्यारी है और एल को नोवा की फ्रेंड क्लोई के बारे में बताती है और वहाँ से चली जाती है। घर आके एल नोवा को कॉल करती है और इयररिंग के बारे में बताती है, लेकिन नोवा उसे फिर कहता है कि क्लोई मेरी सिर्फ दोस्त है, मुझ पर ट्रस्ट करो। एल उसकी बातों पर यकीन करती है। अगले दिन एल और ली हेलोवीन के लिए मार्शमेलोज बनने वाले थे, लेकिन एल ने आइडिया चेंज कर लिया और ली को बहुत पसंद आता है। इधर रात में एल नोवा को कॉल करती है, लेकिन नोवा का दोस्त कॉल उठाता है और वो बताता है कि नोवा क्लोई के साथ गया है। ये सुन के एल थोड़ा सैड हो जाती है। इधर एल डांस करते टाइम खोई खोई सी रहती है और मार्को उसे समझाता है कि वो खुश होके डांस करे। ये दोनों थोड़ा ब्रेक लेते हैं और पार्क में थोड़ा रिफ्रेश होते हैं। एल मार्को को नोवा के बारे में बताती है क्योंकि अब वो दोस्त बन चुके हैं। अब टाइम आता है हेलोवीन का। इस पार्टी में स्कूल के सभी स्टूडेंट हेलोवीन से रिलेटेड कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं। रिचल मार्शमेलो बन के आती है। उसे ली बताना भूल गया है कि ये आइडिया चेंज हो गया है। इधर पार्टी में मार्को एल को डांस करने के लिए कहता है और ये दोनों म्यूजिक को फील करते हुए डांस में खो जाते हैं। इधर एल रिचल से बात करने आती है, उसे सॉरी कहती है क्योंकि कॉस्ट्यूम चेंज का उसे बताना भूल गई थी, लेकिन रिचल उसे बहुत कुछ सुना देती है। उसको कहती है कि हर टाइम ली के साथ चिपकी रहती है, इसीलिए वो ली के साथ टाइम तक नहीं बिता पाती। ली ने एल को इस बारे में कुछ नहीं बताया था कि उसे एल के हर टाइम साथ में रहने से दिक्कत है। अब रिचल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और एल भी ली को रिचल के साथ जाने को कहती है। घर आके एल रिचल को मैसेज करती है, लेकिन रिचल उसे इग्नोर कर देती है। इधर ली ज्यादा से ज्यादा टाइम रिचल को देता है और एल को जरा भी नहीं देता। एल इस टाइम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। इधर मार्को एल के साथ वक्त बिताता है और डांस के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, दूसरी तरफ करते और बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। इधर एल को नोवा का मैसेज आता है और वो एक बार फिर क्लोई के बारे में सोशल मीडिया पर सर्च करती है और उसे पिक में वही इयररिंग दिखाई देता है जो उसे नोवा के रूम में मिला था। ये देख के वो बहुत रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। अगले दिन ये लोग आखिरी रिहर्सल करते हैं। मार्को उसे सब कुछ भूल के डांस करने को कहता है। एल पूरी तरह से अपने आप को डांस में मस्त कर लेती है और ये दोनों बहुत ही शानदार रिहर्सल करते हैं। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। डांस के बाद जब एल घर जाती है तो वहीं पर नोवा का कॉल आता है उसे बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए और साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए। अब फाइनली डांस कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है। अब एल और मार्को दोनों डांस के लिए रेडी रहते हैं। यहाँ बहुत से लोग रहते हैं इसीलिए थोड़ा नर्वस फील करते हैं। इधर ली को एल के पास से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फाइल दिखती है। इधर एल और मार्को दोनों सबसे बेस्ट डांस करते हैं। इनका डांस सभी को बहुत पसंद आता है और वहाँ एल मार्को को सबके सामने किस कर देती है और ये लोग विनर हो जाते हैं। नोवा उसकी ये हरकत देख के उदास होकर वहाँ से चला जाता है। एल उसके पीछे पीछे जाती है और मार्को भी उसके पीछे चला जाता है और एल मार्को को समझाती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो बोल के वहाँ से कर लेती है। अगले दिन एल और उसकी फैमिली फ्लिन के यहाँ जाती है। इधर एल नोवा के साथ फिर क्लोई को देखती है। अब ये सभी लोग लंच करते हुए नजर आते हैं और नोवा और ली दोनों उससे बहुत नाराज रहते हैं। इधर ली भी उस पे गुस्सा करता है क्योंकि उसने बोस्टन वाली बात छुपाई। अब एल ली से सॉरी कहती है कि बिना बताए बोस्टन के कॉलेज में अप्लाई किया और रिचल को कहती है कि तुम क्यों मुझसे नाराज हो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है।
रीचल बोलती है, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें ली ने सब कुछ बताया था कि हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। और वो ली से पूछती है, तुमने बताया या नहीं? लेकिन ली कहता है, सॉरी रीचल, मैं नहीं बोल पाया। ये सुनने के बाद रीचल वहाँ से चली जाती है। इधर एल क्लोई को उसका इयररिंग देती है जो नोवा के रूम से मिला, और वहाँ से चली जाती है। अब एल रीचल के पास आती है और उसे बताती है कि नोवा के जाने के बाद वो बहुत अकेला महसूस करती थी, इसीलिए वो ली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। अब रीचल को भी उसकी गलती का एहसास होता है। अब एल डांस वाली जगह जाती है और वहां जाके ली से माफी मांगती है, और ली भी एल से माफी मांगता है क्योंकि उसने रीचल वाली बात छुपाई। किसिंग बूथ शुरू हो जाता है। अब रीचल और ली दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। ली रीचल से माफी मांगता है और एक मौका मांगता है। रीचल भी उसे माफ कर देती है और इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इधर क्लोई नोवा को समझाती है कि जाके एल को सब कुछ बता दे कि वो उससे बहुत प्यार करता है। किसिंग बूथ पर एल को भेज देते हैं और वहीं पर मार्को आ जाता है। मार्को एल से अपने दिल की बात कहता है। एल कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है लेकिन प्यार नहीं है। वो नोवा से प्यार करती है और वो उसे बताएगी कि वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जा रही। ये बोल के वहां से चली जाती है। एल नोवा को अपने दिल की बात बताने के लिए एयरपोर्ट जाती है और वहाँ उसे क्लोई मिलती है। क्लोई बताती है, नोवा तुम्हारे ही पास आ रहा है, तुम विश्वास करो मेरे और नोवा के बीच में कुछ भी नहीं है। वो मुझे यहाँ इसीलिए लाया ताकि हम दोस्त बन सके, और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। एल क्लोई से दोस्ती करके नोवा के पास उसकी किसिंग वाली जगह पर आ जाती है। इन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाता है और एल नोवा को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लास्ट में हम देखते हैं कि एल को बर्कली और हॉवर्ड दोनों से अप्रूवल लेटर मिल गया था। अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि वो क्या करे। तो गाइस, यही था किसिंग बूथ 2 का एक्सप्लेनेशन। इसका थर्ड पार्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।